ओके, एक बोनस मैं टिप्स आपको देना चाहता हूं कुछ, और बोनस टिप है कि अपनी एक नॉट टू डू लिस्ट बनाइए, क्योंकि ऐसा होता है एज एन एंटरप्रेन्योर हम बहुत सारे काम करते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, वो छुट्टी पे है तो वो काम भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ नॉट टू डू लिस्ट बनाइए कि ये तो मैं करूंगा ही, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कोई काम छोटा या बड़ा है, इट्स दैट कि मेरे को कंपनी को विजन देनी है, आगे लेके जाना है, एनर्जी देनी है अपने टीममेट्स को, अगर मैं उन्हीं के साथ जंग में उतर गया तो मैं उनको डायरेक्शन कैसे दूंगा। तो यू हैव टू मेक श्योर नॉट टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्या करूंगा वो अलग बात है, लेकिन क्या चीजें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा वो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। देन ओनली एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल बी फ्री, और तभी आप नए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ सकते हो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं सीधा आपको बताऊं कि बिजनेस को बिल्ड करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में ये करो, एडवर्टाइजिंग में ये करो, अरे वो बात की बात है, वो करेंगे, पहले आप फ्री तो हो जाओ। अगर आपने अभी उसको ज्यादा और लोड ले लिया तो आप और एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो पहले आपको खुद फ्री होना है, बिजनेस को ऑटो पायलट पर डालना है कि बिजनेस आपके बिना चले। अगर आज आप छुट्टी पे चले जाएं, क्या आपका बिजनेस चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो इसका मतलब आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे नहीं है। तो पहले आपको बिजनेस को ऑटो पायलट पे करना होगा, खुद अपने आप को बिजनेस से अलग करना होगा, अभी आप बिजनेस के अंदर है तो अलग करना होगा, एंड देन यू ग्रो। तो हम कहां थे? नॉट टू डू लिस्ट। तो आपको बनानी है अपनी नॉट टू डू लिस्ट।